subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हर हर महादेव मेरी बेटी, हर हर महादेव मेरी बेटी, बहुत खुश रहो, माँ और महादेव रक्षा करें तुम्हारी। बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे ज्वाइन करने के लिए, इस शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको मेरी बात सुनने के लिए। तो बाबा जी, हम बहुत सारे दिन से, बहुत सारे महीनों से, बहुत सारे सालों से सुन रहे हैं बहुत कुछ, और आपने कुछ ऐसा कदम उठाया जो अभी तक किसी ने नहीं उठाया था, और उसमें एक है घर वापसी। तो हम जानना चाहेंगे ये घर वापसी है क्या और आपने इसको कैसे किया, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहेंगे। मेरी बेटी, आज से 1400 साल, 1450 साल पहले कोई मुसलमान नहीं था धरती पर, सारे सनातन के मानने वाले थे, है ना। एक अचानक अरब में एक ये बबंडर सा उठा और बहुत सारे लोगों ने सनातन धर्म को छोड़ दिया। आज हम उन लोगों को समझाते हैं, वो सनातन धर्म की अच्छाई को और इस्लाम की असलियत को समझते हैं और वो इस्लाम को छोड़ देते हैं। तो घर वापसी और भी बहुत हुई है, बहुत बड़े स्तर पर इसके प्रयास हुए हैं। स्वामी सिद्धानंद जी थे आर्य समाज के बहुत बड़े नेता, उन्होंने बहुत लाखों लोगों को घर वापसी करवाई थी। शुद्धि कहते थे वो, इसे शुद्धि कहते थे, उन्होंने लाखों लोगों की शुद्धि करवाई थी। हमारे यहाँ भी एक सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, वसीम रिजवी नाम था उनका, उन्होंने घर वापसी की और उनका नाम अभी जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गया है। बहुत सारे लोग घर वापसी करने वाले थे, लेकिन तभी ऐसा हुआ कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को यहाँ षड्यंत्रों के माध्यम से जेल भेज दिया गया और अब वो 13 जनवरी को जेल गए थे। आज अभी वो जेल से छूटे नहीं है। तो उसके बाद इस मुहिम को बहुत बड़ा झटका लगा है और बहुत सारे लोग जो इधर आने वाले थे वो आना रुक गया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी वो जेल से आ जाएंगे और फिर हम अपने काम में लगेंगे दोबारा से। So, फिर जितेंद्र जी क्यों जेल गए? आज अगर भारत में किसी को हिंदू होने के लिए जेल जाना पड़ रहा है तो हम वहां पे तो हम बोल सकते हैं अभी भी हम सेफ नहीं है, क्यों उनको जेल भेजा? नहीं, सेफ नहीं है। असल में क्या है कि मुसलमानों की जनसंख्या भारत में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उनका राजनीतिक दबाव बहुत ज्यादा है और वो सिस्टम को अपने हिसाब से प्रयोग कर लेते हैं। तो उन्होंने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को जेल भिजवा दिया है और कोई अपराध नहीं किया उन्होंने, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी ने कोई अपराध नहीं किया, वो बिल्कुल निर्दोष है लेकिन जेल में है। तो वो कब वापस आने वाले हैं? देखिए, अभी उनकी हमने जमानत की अर्जी दी थी, तो उनकी जमानत की अर्जी हाई कोर्ट तक से तो जमानत हुई नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। अब देखिए कोर्ट क्या फैसला लेता है और कितने दिन में लेता है, ये देखने वाली बात है, इसके बारे में कुछ भी निश्चित होकर नहीं कहा जा सकता। तो मैं जितना आपके बारे में मैं पढ़ के सुना, मुझे जितना मालूम है कि आप किसी धर्म के अगेंस्ट में नहीं है, किसी के बारे में किसी की खराबी नहीं करते, लेकिन आप सबको जो हमारे सनातन धर्म के जो अच्छाई है बस वही सिखाते हैं। तो ये जो अच्छाई, जो हमारे अच्छाई है, जो हजारों साल का अच्छाई है, और हम कैसे इसको सिखा सकते हैं, पूरे पृथ्वी को कैसे सिखा सकते हैं बाबा जी? मेरी बेटी, हमें अपने सिद्धांतों को निश्चित करना पड़ेगा। हमारे जो सनातन के धर्म गुरु हैं उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, उनकी गलती है कि आज सनातन धर्म कमजोर पड़ा है और दुनिया में जो अधर्म और पाखंड है वो बढ़ा है। अब एक गाइडलाइन बनानी पड़ेगी, सारे संतों को मिलकर एक ऐसी थ्योरी देनी पड़ेगी जो हम पूरी दुनिया को समझा सके कि ये सनातन है क्या। हम दुनिया को सनातन को समझाने में नाकामयाब रहे। हम विश्व गुरु थे, हम जगत गुरु थे, लेकिन हमने अपने उस दायित्व का निर्वहन नहीं किया और इसी के कारण आज ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग अब सनातन को समझ नहीं रहे हैं। तो बेटा, सनातन के लिए सबसे पहले हमें एक सनातन वैदिक विश्वविद्यालय बनाना पड़ेगा जहां सनातन धर्म का गहन अध्ययन और अध्यापन दोनों होता हो। वहां सनातन वैदिक धर्म को, सनातन वैदिक संस्कृति को, सनातन वैदिक राष्ट्र को समझा जाना चाहिए और समझकर उसका प्रचार किया जाना चाहिए।
अभी हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जब हमारे विदेश में जाते हैं तो कोई शिव पूजक के रूप में जाता है, कोई आर्य समाजी के रूप में जाता है, कोई वैष्णव के रूप में जाता है, कोई शाक्त के रूप में जाता है, कोई सिख के रूप में जाता है, कोई जैन के रूप में जाता है। कोई भी सनातन धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता। जब तक हम अपनी इस बुराई से छुटकारा नहीं पा लेंगे तब तक सनातन धर्म की पूरी दुनिया में फैलने की संभावनाएं कम रहेंगी। तो इसके लिए अभी की जो सरकार है उनसे कितना सपोर्ट मिल रहा है या उनसे कुछ सरकारों मतलब... देखिए सरकारों का काम नहीं है। अच्छा। मेरी बेटी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सरकारें इस काम को नहीं करेंगी। सरकार तो भारत में देखिए, अभी एक बहुत छोटा सा अभी एक इंसिडेंट हुआ हमारे यहाँ। ये कहा जाता है बल्कि 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, तो कुछ लोगों ने इसमें जनहित याचिका डाली, तो हमारी केंद्र सरकार ने कहा कि भाई ये राज्य अगर किसी को देना चाहे अल्पसंख्यक का स्टेटस तो वो दे सकते हैं, हम नहीं देंगे। अच्छा, मतलब उन्होंने कहा कि भाई जो हिंदुओं के हित की बात है उसे हम नहीं करेंगे, राज्य में जो हिंदू विरोधी सरकारें हैं, जो हिंदुओं के दुश्मनों की सरकारें हैं, वो करना चाहें तो कर दें। तो हिंदुओं के लिए कोई यहां पर काम नहीं करता। हिंदू केवल चुनाव के समय हिंदू हिंदू का नारा लगता है और कुछ राजनीतिक दल राजनीतिक पार्टियां हिंदुओं की बात करके हिंदुओं की वोट ले लेती हैं। वोट लेने के बाद वो हिंदुओं को भूल जाती हैं और फिर हिंदुओं का कोई काम नहीं होता। तो बेटा ये राजनीतिक सिस्टम हिंदुओं को के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही वो करना चाहते हैं। तो लेकिन जो आज मतलब बाहर के देशों के जो लोग है और बाकी धर्म के जो लोग है वो समझते हैं कि आज की जो सरकार है वो हिंदू को सपोर्ट करते हैं, तो क्या हम वो लोग गलत समझ रहे हैं या हमें गलत समझा रहे हैं? बिल्कुल गलत, वो लोग बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, झूठा प्रचार है। अच्छा। हिंदू को इस देश में कोई सपोर्ट नहीं है। अगर हिंदू को सपोर्ट होती तो निर्दय जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी जेल में नहीं होते। वो जेल में केवल इसलिए कि हिंदुओं की कोई लॉबिंग नहीं है, हिंदुओं के लिए कोई बोलने वाला नहीं है, हिंदुओं की बात सुनने वाला नहीं है, हिंदुओं की बात समझने वाला नहीं है, इसलिए जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जेल में है। मुझे नहीं लगता हिंदू अपने आप को, देखिए हिंदू अपने आप को बचा पाएगा ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। मुझे नहीं लगता कि हिंदू अपने आप को बचा पाएगा, क्योंकि हिंदुओं का देखिए ना तो एक भी नेता है, ना कोई धर्मगुरु है, ना हिंदुओं के लिए लड़ने वाला कोई संगठन है, ना हिंदुओं के लिए लड़ने वाला कोई मीडिया है। हिंदुओं के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। सुदर्शन चैनल जरूर है हिंदुओं के पास। सुदर्शन चैनल को छोड़ दें तो मीडिया के जो यूट्यूबर्स हैं, कुछ एक यूट्यूबर्स की फौज है, वो भी बीजेपी के लिए ज्यादा काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए, हिंदुओं के लिए इतना काम नहीं करते। हिंदुओं की आवाज यहाँ कोई नहीं उठाता, कोई नहीं उठाता। यहाँ केवल एक राजनीतिक दल के हिसाब से लोग काम करते हैं। पहले लोग हिंदू कांग्रेस के हिसाब से काम करते थे, अब बीजेपी के हिसाब से काम करते हैं। हिंदू के लिए कोई काम इस देश में नहीं होता बेटा। तो फिर आप बोलना चाहते हैं कि बीजेपी हिंदू के लिए नहीं है? नहीं, मुझे ये नहीं पता, ये तो बीजेपी वालों से पूछो, बीजेपी के सपोर्टरों से पूछो। लेकिन बीजेपी ने अभी तक एक भी काम, अगर आप राम जन्म भूमि के काम को मान लें कि राम जन्म भूमि पर मंदिर बन रहा तो हो सकता है हो, आप उसे मान लें, बाकी एक भी कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे हिंदुओं को फायदा हो या इस्लाम के जिहादियों का नुकसान हो। एक भी काम भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया है जिससे बताया जा सके कि भाई इससे हिंदुओं का बहुत फायदा हो गया या इस्लाम के जिहादियों का नुकसान हो गया। एक भी काम उन्होंने ऐसा नहीं किया है। भारत का भविष्य मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख कर रखिए, आपके पास अगर पेन है तो मैं अभी आपको बता रहा हूं, केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। केवल 2029 में, अगर लोकतंत्र की व्यवस्था यही चलती रही जो अभी है, तो केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 साल में, केवल अगले 20 सालों में लगभग 50% हिंदू अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे, 40% हिंदुओं का कत्ल हो जाएगा, 10% हिंदू जो बचेंगे वो या तो आपकी तरह विदेशों में रहेंगे या भारत में कहीं रिफ्यूजी कैंप बन जाएंगे यूएनओ के, उनमें रहेंगे, कोई भी हिंदू बचेगा नहीं। तो क्योंकि हम अभी इंटरव्यू कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहूंगी, आपने कश्मीर फाइल देखा है? क्योंकि आप बोले कि हिंदू बचेगा नहीं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, कश्मीर फाइल देखा है आपने? मैंने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी बेटा, लेकिन मैंने कश्मीर को देखा है, मैंने कश्मीर को देखा। मेरा दुर्भाग्य है, मैं असल में त्यागी जी के केस में बहुत व्यस्त हूँ इस समय, मेरी इस टाइम प्रायोरिटी है कि मैं जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को बाहर निकालूं। लेकिन कश्मीर फाइल्स मेरे सभी लोगों ने देखी है, सबने आकर मुझे कश्मीर फाइल्स के बारे में बताया है,
मैं जिन लोगों ने कश्मीर फाइल्स बनाई है उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, लेकिन मेरी बेटी मैं आपको बताऊं कि जो असल समस्या है उसका हजारवां हिस्सा भी कश्मीर फाइल्स में दिखाया नहीं गया है, जो अत्याचार हुए हैं। और बेटा 3 घंटे की पिक्चर में कितना दिखाया जा सकता है, पिक्चर की अपनी सीमाएं होती है, 3 घंटे ज्यादा की पिक्चर होती नहीं है, 3 घंटे की पिक्चर में कितना दिखाया जा सकता है, जितना दिखाया जा सकता है उन्होंने दिखाया है। बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाई है, मैं पिक्चर बनाने वालों को साधुवाद देता हूं, लेकिन समस्या इस पिक्चर से हजारों गुना अधिक गहन है, हजारों गुना अधिक बड़ी है और हजारों गुना अधिक विकराल है। अपने परिवारों को मजबूत करना पड़ेगा, परिवार मजबूत होते हैं मेरी बेटी, परिवार मजबूत होते हैं लोगों से। आज हिंदुओं में जो बीमारी है ना, एक एक बच्चे की बीमारी, एक बेटा एक बेटी वाली बीमारी, इसने हिंदुओं को बर्बाद कर दिया है। मुसलमानों के यहाँ 15-15, 22-20 बच्चे होते हैं, हिंदुओं के बच्चे होते हैं 1 या 2, इस तरह से तो वो उनके सामने टिकेंगे नहीं। तो बेटा हिंदुओं को अपने बच्चों को मजबूत बनाना पड़ेगा, पहले तो बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, फिर बच्चों को मजबूत बनाना पड़ेगा कि बच्चे अपनी भी रक्षा करें, परिवार की भी रक्षा करें, परिवार की महिलाओं की भी रक्षा करें और राष्ट्र की रक्षा करें, ये बहुत जरूरी है। तो मेरा युवाओं से केवल इतना कहना है कि वो अपने परिवार को मजबूत करें। हिंदू बहुत बड़ी बड़ी बात करता है, बहुत बड़ी बड़ी वसुधैव कुटुंबकम, ये और वो, विश्व शांति, आतंकवाद का सफाया, लेकिन कभी भी अपने परिवार को नहीं बचा पाता। आज जब मुसलमाने जिहादी गुंडे हिंदुओं के घरों के बाहर होंगे तो हिंदू अपने घरों को बचाएंगे कैसे? जिस पुलिस के भरोसे पर वे हैं, वो पुलिस तो उसकी होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। जिस सेना के भरोसे पर है, वो सेना तो उसकी होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो हिंदू अपने बच्चों को बचाएगा कैसे? हिंदू को इस लायक बनना पड़ेगा कि चाहे सारी दुनिया की फौजें हमारे घर के बाहर आके खड़ी हो जाए, हम अपने घर अपने परिवार की रक्षा करने में सक्षम होने चाहिए। केवल यही संदेश मेरा युवाओं को है। तो बाबा जी, अभी योगी जी फिर से आ गए यूपी में और आप गाजियाबाद में हैं, तो गाजियाबाद में यूपी में होते हैं, तो आपको कितना लगता है कि यूपी में, स्पेशली यूपी में सनातन धर्म का जो सुरक्षा करना है उसमें कितना बदलाव आएगा? देखिए योगी जी भारत में एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूं। मैं योगी जी का समर्थक हूं, मैं चाहता हूं योगी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। हाँ, वो बीमारी को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, मतलब वो अभी हिंदुओं को पीड़ित नहीं होने दे रहे हैं, ये है उनका डर है, उनका खौफ है इस्लाम के जिहादियों में, इतनी बात तो है, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं, वो उनको रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो लेकिन योगी जी ये भी ऐलान कर दिया है कि 2 बच्चे अगर नहीं होंगे तो उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, बहुत सारी सुविधाएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुसलमानों को सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, वो पूरी सरकार बनाएंगे, वो देश पर कब्जा करेंगे, उन्हें सरकारी नौकरी की क्या जरूरत है? आज भी वो सरकारी नौकरी के पीछे कितना भागते हैं, कितने मुसलमान सरकारी नौकरी करते हैं, वो तो छोटे छोटे काम करके अपना पेट पालन करते हैं, उनको इस देश को छीनना है, उन्हें सरकारी नौकरियों की जरूरत नहीं है। जिस दिन सरकार उनकी होगी फिर कानून अपने हिसाब से बदल देंगे। मोहम्मद ने जब इस्लाम बनाया था ना, तो सबसे पहली लड़ाई हुई थी बदर की लड़ाई। तो बदर की लड़ाई में ऐसा हुआ था कि बेटा उधर है, बाप इधर है, भाई उधर है, भाई इधर है, मामा इधर है, भांजा उधर है। इस्लाम अपने लोगों का कत्लेआम सिखाता है। देखिए इस्लाम में सबसे बड़ी बात यह है, इस्लाम ये कहता है कि अगर तुम्हारे बाप और भाई भी अगर मुसलमान नहीं है, हजारों सालों की तो बात छोड़ दो, वो कहते हैं कि तुम्हारे बाप और भाई भी यदि मुसलमान नहीं है तो उनका कत्ल करना तुम्हारा नैतिक दायित्व है। बाप और भाई का कत्ल करना भी नैतिक दायित्व है। तो इस्लाम को ये मत कहिए कि वो हजारों साल से रह रहे हैं, हजारों के लाखों साल रह लेंगे तो अभी वो इस देश को अपना नहीं मानेंगे। भाई पूरी दुनिया में जहां भी इस्लाम है कहीं शांति तो है नहीं, उनके खून में केवल, उनके डीएनए में केवल और केवल लड़ना है, वो लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। पहले जब तक हम हैं वो आपस में नहीं लड़ेंगे, पहले हमारा कत्ल करेंगे फिर आपस, जैसे अब अफगानिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में, पहले अफगानिस्तान सारे मिलके भारत से लड़ते थे ना, अब आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी पहले भारत से लड़ते थे ना, पाकिस्तान में लड़ाई शुरू हो गई है, बांग्लादेश में चल रही है, पूरे अरब कंट्रियों में, वहां तो कोई हिंदू नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं। पहले ये काफिरों को, मुशरिकों को मानते हैं, काफिर मुशरिक मतलब जो मुसलमान नहीं है उन्हें मारते हैं, उन्हें मारने के बाद फिर आपस में लड़ने लगते हैं, इनका यही धंधा है, यही काम है इनका। तो आप बंगाल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बंगाल अभी, बंगाल की स्थिति वही है जो कश्मीर की स्थिति थी 1992 में, 90 के दशक में जो कश्मीर की स्थिति थी, आज बंगाल की स्थिति है। कल ये स्थिति उत्तर प्रदेश की होगी, बिहार की होगी, दिल्ली की होगी,
पूरे पूरे भारत की स्थिति यही तो होगी। देखिए कश्मीर फाइल्स का एक प्रोमो है, मैंने डायलॉग देखा, अनुपम खेर रोते हुए कहते हैं कि आज जो कश्मीर में हो रहा है एक दिन पूरे भारत में होगा, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जो कश्मीर में हुआ है वो पूरे भारत में होने वाला है। आपको मोदी जी के ऊपर थोड़ा सा मतलब क्यों नहीं, थोड़ा सा भी क्यों उनके ऊपर भरोसा नहीं? मोदी जी ने 8 साल शासन कर लिया, मोदी जी ने 8 साल शासन कर लिया, किस हिंदू को बचा लिया? अब 8 साल में नहीं बचाया, एकदम बचा देंगे? बेटा मोदी जी नहीं बचा पाएंगे, हिंदुओं को खुद बचना पड़ेगा। और हिंदू अगर मोदी जी के भरोसे हैं तो भैया बैठे रहो, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। मेरी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, अगर मोदी जी बचा रहे तो हमारा तो कोई काम ही नहीं रहा, फिर मोदी जी बचा ही रहे ना, कर लेंगे वो सारे काम, तो कोई चिंता की बात नहीं है, निश्चिंत रहिए। तो हिंदू में अभी एक धर्म गुरु की जरूरत है जो हमें राह दिखाए, तो वो धर्म गुरु की भी जरूरत है, हिंदुओं को नेताओं की भी जरूरत है, हिंदू को योद्धाओं की भी जरूरत है, संगठन की भी जरूरत है। हिंदू की बीमारी बहुत बढ़ गई है, बहुत पुरानी हो गई है, अब इससे लड़ने के लिए बहुत कुछ चाहिए मेरी बेटी, बहुत कुछ चाहिए। आज हर आदमी को अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ेगा, वरना सनातन नहीं बचेगा। ये हिंदुओं के पास आखिरी देश है, एक समय सारी दुनिया हिंदुओं की थी, लेकिन अब तो ये हिंदुओं का आखिरी देश है। हिंदू ये सोचे कि यहां से भागकर वो कहां जा पाएंगे, कहां जाएंगे, कौन शरण देगा? होप तो प्रयास करने से है। अभी कोई हिंदुओं को बचाने का प्रयास कर ही नहीं रहा जमीन पर, सब लोग केवल YouTube पर, Facebook पर, सोशल मीडिया पर हिंदुत्व है, या तो हिंदुत्व है सोशल मीडिया पर, या हिंदुत्व है कहीं, मतलब हिंदुत्व और कहीं है ही नहीं, केवल सोशल मीडिया पर हिंदुत्व है। बाकी लोगों के, हिंदुओं के घर खाली पड़े मेरी बेटी, हिंदुओं के मंदिर खाली पड़े हुए, हिंदुओं के मठ खाली पड़े हुए, आश्रम खाली पड़े हुए, हिंदू बच्चे ही नहीं पैदा कर रहा। अब बच्चे नहीं पैदा कर रहा तो हिंदू बचेगा नहीं किसी तरह से भी। तो मतलब आज के इस देश के जो आज के जो हमारे स्थिति है, इसमें लोग बोल रहे हैं कि हिंदू बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं। कहां हो गए? मैंने तो अभी तक कोई हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नहीं देखा। हिंदू एक्सट्रीमिस्ट होकर क्या करेगा, बीजेपी को वोट देने चला जाएगा? इससे ज्यादा हिंदू क्या करता, मैंने तो कुछ हिंदू को करते देखा नहीं। हिंदू एक्सट्रीमिस्ट होगा, जाके बीजेपी को वोट देकर आ जाएगा बस। तो गुरु बाबा जी, आप क्यों नहीं एक संगठन शुरू कर देते जिसमें पूरे सनातन? मैं सन्यासी हूँ और बूढ़ा सन्यासी हूँ, संगठन नहीं शुरू कर सकता मैं लोगों को केवल बता रहा हूँ, लोग उसे भी सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि लोग आपकी तरह सोचते हैं कि मोदी जी सब सही कर देंगे, योगी जी सब सही कर देंगे, तो हिंदू मेरी बात सुनता ही कहाँ है? सुनेंगे तो बेटा देखो बदलाव भी आएगा। अभी जब सुनेंगे, देखिये मेरा कहना यह है कि लड़ाई सबको लड़नी पड़ेगी, ये किसी एक मोदी की, एक योगी की लड़ाई नहीं है, ये हर हिंदू के अस्तित्व की लड़ाई है, और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को बचाए, अपने परिवार को बचाए, अपने देश को बचाए, अपने धर्म को बचाए, ये हर आदमी की जिम्मेदारी है। और हिंदू कहता मोदी जी बचा लेंगे, अगर मोदी जी बचा लेंगे तो भैया बचवा लो मोदी जी से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई एक व्यक्ति बचा लेगा। मुझे लगता है कि 100 करोड़ लोगों को लड़ना पड़ेगा और अपना बलिदान देना पड़ेगा। जो कौम बलिदान देना भूल जाती है, माँ और महादेव उस कौम को मिटा देते हैं। हर हर महादेव मेरी बेटी, हर हर महादेव मेरी बच्ची, बहुत खुश रहो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हो तुम्हारी, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत खुश रहिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।